नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू चैनल सार्फ मसल। तो सार्फ मसल में आज हम बात करने वाले हैं अपने क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट के बारे में, जो है ये। मैंने मसल बेस का यूज़ किया। क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट में थोड़ा सा कंपेरिजन करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट बेटर रिजल्ट शो करता है एज कम्पेयर टू सिंपल क्रिएटिन, क्योंकि इसका जो साइज है पार्टिकल वो बहुत थिन है, पाउडर की फॉर्म में है, जो उसका साइज होता है वो काफ़ी मोटा आता था, अगर आपने यूज़ किया तो आपको पता होगा। और जिसके स्ट्रेंथ में जो और गेनिंग में मोनोहाइड्रेट ज़्यादा हेल्प करता है एज कम्पेयर टू जो हमारा सिंपल क्रिएटिन था। साइड इफेक्ट्स की बताते हैं तो मोनोहाइड्रेट के साइड इफेक्ट्स कम है एज कम्पेयर टू क्रिएटिन। तो सिंपल क्रिएटिन में क्या होता था, मैंने यूज़ किया, मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुझे धीरे धीरे ना फील होना शुरू हो गया था कि मेरी बॉडी में ना वाटर होल्ड हो रहा है और मेरा साइज जो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मेरी स्किन थी वो ना ब्लैक होने शुरू हो गई थी, और जो मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा जो मेरा कलर है जो चेंज हो रहा लग रहा है। उसके साथ मैंने कोई भी सिर्फ वे प्रोटीन यूज़ कर रहा था और वो भी कंपनी का वे प्रोटीन था, अगर आप सोचें या फिर कोई बंदा कमेंट करे कि सर ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका जो रिजल्ट था मैं आपको बता दिया। तो उसकी वजह ना काफ़ी मेरे को दिक्कत हुई, मेरे रिंकल्स आने चालू हुए जो आज तक हैं उसकी वजह से, बट ये तो चलता रहता है, ये प्रोडक्ट है काफ़ी मेरी बॉडी को सूट करेगा या आपकी बॉडी को सूट करेगा, ये तो चलता रहता है कि हर बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं अपने मोनोहाइड्रेट के बारे में। मोनोहाइड्रेट मैंने यूज़ किया लगभग 300 ग्राम का था, तो मैंने 45 से 50 दिन के बीच में यूज़ किया है और काफ़ी बचा हुआ भी है। एक और बात बताता हूँ उसमें, जो उसकी सिंपल क्रिएटिन था उसकी जो डोज होती थी वो लगभग 3 से 5 ग्राम के बीच में होती थी, और मोनोहाइड्रेट की जो लास्ट डोज है वो 5 ग्राम है। अगर आप उससे ज़्यादा उसको लेते हैं तो आपको साइड इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जो 3 से 5 ग्राम में जो सिंपल वाला ले रहे थे उसमें वो रिजल्ट जल्दी से शो कर रहा था। बोलते हैं जब क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो सिंपल इसलिए होता है क्योंकि जितना हम पानी पियेंगे और जो हमारी बॉडी की स्किन है वो वाटर होल्ड कर लेगी। अलग अलग स्टडीज में अलग अलग बातें बताएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हर बंदे का जिसने यूज़ किया वो अपने हिसाब से बताता है। जो मुझे फील हुआ मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ वो काफ़ी अच्छा था। अगर मैं इस प्रोडक्ट को 5 ग्राम यूज़ कर रहा था 30 दिन तक, और उसके बाद जब मैंने इस प्रोडक्ट को 30 दिन तक यूज़ कर लिया तो फिर उसकी मैंने डोज इंक्रीज की, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आधा घंटे से 45 मिनट के बीच में यूज़ किया विद सम कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स से क्या होता था कि मेरे को एनर्जी भी मिलती थी और मुझे आगे वर्कआउट करने में हेल्प मिलती थी। अगर आप खाली पेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको ना करें, क्योंकि वो आपको हार्मफुल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी इस प्रोडक्ट की गारंटी नहीं ले सकता कि ये आपको कितना हार्मफुल करे आपकी किडनी को या फिर आपके लीवर को। क्योंकि अब ये बात भी आपको बतानी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ ओरली लेते हैं तो वो हमारे फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म में जरूर जाती है, जो है हमारा लीवर, उसके बाद वो ब्लड में सर्कुलेट होगी। डोजेज हुई अगर आप इससे तो वर्कआउट में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी बॉडी में कहीं भी एक्ने वगैरह या फिर जो पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था रिंकल्स की, वो भी कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई इस प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और साइड में एक स्नैपशॉट भी चल रहा होगा आपके लिए, आप उसमें जाके नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ से, और आप मुझे DM भी वहाँ पे कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको कमेंट करना है चीज़ के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मोनोहाइड्रेट बेटर है, हाँ ये मोनोहाइड्रेट का रिजल्ट भी बेटर है उससे, तो लास्ट गुना बेटर है क्योंकि वो उसके साइड इफेक्ट्स के साथ साथ अगर देखे जाए तो इसके साइड इफेक्ट उससे कम है। और आप इसकी डोज जब मैंने 3 दिन के बाद बढ़ा दी थी तो मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ तो क्या हुआ कि जब मैंने 3-5 ग्राम तो मैंने पहले लिया प्री वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में जो मैंने लिया वो 2.5 से 3 ग्राम बीच में, तो 8 ग्राम पूरा टोटल हो गया। बट उसके अंदर क्या हुआ जो मेरे को ना साइड में ना पेन हुआ चालू हो गया दोनों साइड में किडनीज में, तो मुझे लगा कि मैंने शायद कोई गलती कर दी है डोज बढ़ा के, तो मैंने उसका एक लैब टेस्ट कराया, तो लैब टेस्ट में मुझे पता लगा जो मेरा क्रिएटिन का लेवल था मेरी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज कर गया था 1.5 से 2 ग्राम जो भी उसका रेशियो होता है स्टैंडर्ड में। मुझे पता लगा कि अगर मैं ज़्यादा मोनोहाइड्रेट के साथ खेलूँगा या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मैं उसकी डोज बढ़ा दूंगा अपनी स्ट्रेंथ को, वो शायद मुझे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और साथ ही मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप मोनोहाइड्रेट लेते हैं, आप 300 ग्राम का पैकेट ले रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 महीने खींच लेता था खोलने के बाद बॉक्स, लेकिन अब क्या होता है कि मोनोहाइड्रेट आ गया तो मोनोहाइड्रेट ना पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में होने की वजह से उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो जल्दी से मॉइस्चर कैच कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो 2.5 से 3 महीने चल जाएगा अगर आप 300 ग्राम लेते हैं तो 10 दिन के अंदर ही खराब होना चालू हो गया, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो आपका 100 ग्राम का जो ट्रायल पैक है वो स्टार्ट करके देखें, आप कोई सी कंपनी का भी क्रिएटिन ले सकते हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो न्यूट्रिशन वर्क करती है वो क्रिएटिन जरूर बनाती है। बस वो आप ये सोचेंगे कि 200 रुपये में भाई वो 300 ग्राम मिल रहा है, लेकिन एक जो है 3,000 और 4,000 की रेंज में भी जो है
आपका क्रिएटिन मिल रहा है मोनोहाइड्रेट। सो उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो हमने परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो स्टडीज की हैं और प्लस में जो उसका परफॉर्मेंस उसमें इंक्लूड किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं उसके मॉलिक्यूल में, वो सब चीजें कि वो पैसे हैं और वो आपको अच्छा रिजल्ट पहुंचाने के लिए। तो आपके जैसे भी आपका बजट अलाउ करे आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास ये जो पड़ा वैल्यू है जितने का पे कर रहे हैं वो आपको ये प्रॉपर करके देता है। हाँ, ये प्रोडक्ट अल्टीमेट है और अगर आप चाहें तो इसको पीने में यूज कर सकते हैं, बट पानी थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा आपको एज कम्पेयर टू सिंपल क्रिएटिन, थोड़ा सा और ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। और आपके इसकी डोज जो है, जो इसका स्कोप साइज है, उसे थोड़ा सा कम लें ताकि आपको साइड इफेक्ट कम से कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाना, और जल्दी से जल्दी मेरे हर आजा फॉलोअर कराओ, तो उसके बाद फिर मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, वो आप सभी के लिए सरप्राइज होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी वीडियो में अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।